सुहाग के सुंदर रंगों से सजा करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 17 अक्टूबर को आ रहा है। यह पर्व महिलाओं के लिए सबसे खास होता है। वर्ष भर उन्हें इस व्रत की प्रतीक्षा रहती है। पर्व आने से पूर्व उनके विशेष परिधान भी तैयार होने लगते हैं। वैसे तो सभी रंग निर्दोष होते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से कुछ रंगों को शुभ कार्य से दूर रखा जाता है। आइए जानें सौभाग्य के इस त्योहार पर किन 5 रंगों से बचना चाहिए। काला, यह रंग अशुभता का प्रतीक है। इस रंग का प्रयोग सिवाय मंगलसूत्र के दानों के परिधान या श्रृंगार में ना करें। सफेद रंग, यह रंग यूं तो शांति और सौम्यता का प्रतीक है, लेकिन सादगी का यह रंग श्रृंगार के पर्व पर वर्जित माना जाता है। उपवास वाले दिन महिलाओं को किसी अन्य व्यक्ति को शक्कर, दूध, दही, चावल और सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। नीला रंग, यह रंग अत्यंत खूबसूरत है, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में मोर की गर्दन वाले नीले रंग को पूजा कार्यों में नहीं शामिल किया जाता, अतः इस दिन इस रंग से भी बचे। भूरा रंग, यह रंग भी आंखों को नहीं लुभाता है और त्योहार पर कोशिश यह होनी चाहिए कि आंखों को सुंदर लगने वाले रंग ही पहने जाए। यूं भी यह रंग राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है, अतः भूरे रंग से भी यथा संभव बचे। स्लेटी या कोई भी दबा हुआ हल्का रंग, स्लेटी और इस तरह के मटमीले दबे रंग फैशन में इन हो सकते हैं, लेकिन शुभ कार्यों में इनसे बचना जरूरी होता है। करवा चौथ वाले दिन महिलाओं को विशेष तौर पर लाल परिधान ही पहनने चाहिए, क्योंकि लाल रंग हिंदू धर्म में शुभ का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त केसरिया, पीला, हरा, गुलाबी, मेजेंडा, महरून और शोक जामुनी रंग पहने जा सकते हैं। जहां तक संभव हो अपनी शादी का जोड़ा ही व्रत के दिन पहनें।